हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय मेगा माय यूट्यूब चैनल मेगा रिसर्च एकेडमी। एंड टुडे आई एम डिस्कसिंग अबाउट कैनाल सिस्टम ऑफ कोरीफेरा। कैनाल सिस्टम मतलब जो कैनाल सिस्टम का कैनाल का अर्थ होता है नहर। नहर मतलब जैसे कोई चीज़ भाई गांव वाँव में देखा होगा, नहर निकलती रहती है ना। मतलब नहर एक किसी मतलब खेत वगैरह को भरने के काम में आती है, तो उसे ही हम कैनाल सिस्टम कैनाल बोलते हैं, ठीक है ना। उसे हम कैनाल बोला जाता है इंग्लिश में, तो उसे ही नहर सिस्टम नहर तंत्र अगर हिंदी में बोलेंगे ना, तो नहर तंत्र आपका पोरीफेरा बोला जाता है, ठीक है। कैनाल सिस्टम ऑफ पोरीफेरा बोला जाता है। ओके, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैनाल सिस्टम ऑफ पोरीफेरा। देखिए, हम आप सबको उस दिन पोरीफेरा का जनरल इंट्रोडक्शन दिए थे। पोरीफेरा बताए थे कि पोर्स बियरिंग एनिमल्स होते हैं। कुछ हम आपको रिवाइज करवा दें पैक का कि ये पोर्स बियरिंग एनिमल्स होते हैं। इनमें पोर्स पाए जाते हैं जिस कारण इनको वाटर में एक्सक्रीशन, मतलब जो वाटर को इन्हेंस करते हैं और जो वाटर को एग्जिट करते हैं, इनमें हेल्प होता है जो वो। और बाय द न्यूट्रिएंट्स, इनके न्यूट्रिएंट्स वगैरह फीड करते हैं और अपने बॉडी के हर एक चीज़ जैसे एक्सक्रीटरी या वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करने में इनका ये हेल्प बहुत अच्छा योगदान रहता है, बहुत अच्छा हेल्प करते हैं ये। तो आज मतलब आप सबको कैनाल सिस्टम आप पूरी फेरा पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। अगर देखिएगा तो अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग देखिएगा तो कैनाल सिस्टम आप पूरी फेरा बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आप सबके हर एक बार के लेक्चर में ये कंफर्म आया हुआ है। याद रखिए, मतलब हर एक बार के लेक्चर में कंफर्म भी आया हुआ है, ठीक है ना। मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट कैनाल सिस्टम ऑफ पोरीफेरा, ठीक है ना। इसके बाद क्लासिफिकेशन देंगे, दो चीज़ से जरूर उठता है कैनाल सिस्टम ऑफ पोरीफेरा, या तो कोई पर्टिकुलर स्पीसीज जैसे इसकान साइकान ल्यूकान जो कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया, जिनको जैसे कितने कॉम्पैक्ट हैं, थोड़ा सा कम कॉम्पैक्ट हैं तो उनको स्कान रखा गया है, थोड़ा सा ज़्यादा हैं तो उनको साइकान रखा गया है, थोड़ा सा और ज़्यादा हैं तो उनको ल्यूकान रखा गया है। इसी के अकॉर्डिंग मतलब कैनाल सिस्टम के अकॉर्डिंग थोड़ा देखा गया है, उनकी बॉडी में कैनाल सिस्टम की अकॉर्डिंग उनके में कॉम्पैक्सिटी मतलब ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो रहे हैं वो, तो वो उनके बढ़ने के कारण ज़्यादा कॉम्पैक्टली ज़्यादा डेंस होने के कारण ये जो है अपना मतलब कैनाल सिस्टम ऑफ पोरीफेरा मतलब इसी के कारण डिवाइड हुआ है। स्कान साइकान ल्यूकान में तीन प्रकार थ्री टाइप्स ऑफ डिवाइडेड बाय द कैनाल सिस्टम ऑफ पोरीफेरा, मतलब पोरीफेरेंस को थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो उसमें से जिसमें से आपको पढ़ाने जा रहे हैं, पहला तो आप देख सकते हैं, पहले तो हम कैनाल सिस्टम पढ़ा रहे हैं। कैनाल सिस्टम है क्या, कैनाल सिस्टम एक्चुअली में फंक्शन क्या करता है, रोल क्या करता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि मतलब पोरीफेरा अगर कैनाल सिस्टम ना हो तो क्या इम्पेक्ट होता है, अगर हो तो क्या इम्पेक्ट रहता है, मतलब कुछ भी इसके अंदर का मतलब समझ लो पूरा रहता है, समझ गए। मतलब क्या मतलब हमारे बॉडी में अगर कैनाल सिस्टम पाया जा रहा है तो किस लिए पाया जा रहा है, मान चलो कि हम न्यूट्रंस वगैरह लेते हैं, फीड वगैरह करते हैं, फीड करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं ना, तो ये सब फंक्शन हमारे अंदर इंटरनल ऑर्गन द्वारा हो रहा है, ठीक है ना। एक ऑर्गन, एक पर्टिकुलर ऑर्गन है, पर्टिकुलर ऑर्गन से हमारे ये सब फंक्शंस हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है, ठीक है। इन सब फंक्शंस को जैसे जो पोरीफेरा जो कैनाल सिस्टम है, जैसे कैनाल सिस्टम ये पोरीफेरेंस में पाया जाता है, पोरीफेरेंस में इसका मेनली यही फंक्शन होता है कि ये पोरीफेरेंस की बॉडी में पूरा एम्बेडेड होता है, मतलब एक बॉडी में ही धसे हुए छेद नुमा मतलब माइन्यूट पोर लाइक स्ट्रक्चर्स अपीयर ऑन द बॉडी सरफेस। अगर आपके उसके बॉडी सरफेस पे माइन्यूट पोर लाइक माइन्यूट डीपली लाइक पोर लाइक अपीयरेंस होता है, ठीक है ना, पोर डीपली हमें दिखाई देता है, तो वो पोर्स यहाँ पे क्या फंक्शन करते हैं उसके बारे में आज डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है ना। मेरी एक बात मानिएगा कि आप सब बहुत ध्यान से बहुत केयरफुली सुनिएगा। देखिए, राइटिंग तो थोड़ी सी आप सबको इधर हिली डुली मिलेगी मेरी, लेकिन हाँ एकदम अगर ध्यान से आप सुनेंगे, मतलब ध्यान से क्या, कुछ बच्चे तो रहते हैं कुछ ध्यान से नहीं सुनते, ठीक है, केयरफुली अगर सुनिएगा ना तो आप इतना लिख लेंगे, मतलब आप समझ लीजिए कि जब एग्ज़ाम में बैठेंगे ना तो आपको ये नहीं याद रहेगा कि हाँ चलो मैं ये टॉपिक लिखा हूँ, हाँ हो सकता है भूल गया हूँ, लेकिन अगर केयरफुली आप सुने रहोगे ना तो एक बार में देखोगे ना, एक बार में बस देखा और मतलब एक बार में दिमाग से सोचा हाँ यार बताया भाई, बड़े भैया ने बताया क्या था, अच्छा ये बताया था, चलो ठीक है, मेरे को ये बताया था मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग हाँ चलो ठीक है ये बताया, थोड़ा सा याद आ गया, हिंट पा गए, खींचते हुए चले गए, क्योंकि तुमने तो पहले ही वो किया हुआ है ना, मतलब पहले ही इतनी हार्ड प्रैक्टिस करके गए हो यहाँ पे कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब नकल वगैरह तो दूर की बात जाने दो, और अगर इलाहाबाद के स्टूडेंट हो तो यहाँ पे सफिशियंट है,
तुमको इतना नोट्स जितना मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ उतना सफिशियंट है। हाँ अदरवाइज अगर आप और नॉलेज लेना चाहते, देखो मेरा एक्चुअली में ये मेनली पर्पस रहता है कि आप बुक से भी और मेरी प्रॉपर नोट से भी जो जो भी मैं उन्हें प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको बुक से भी प्रॉपर नोट से भी उसका पूरा रिटर्न नोट से यहाँ पे मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ। और जो है जो ये सफिशियंट है अगर आप देख सकते हैं उठा के अगर बुक से पढ़ लीजिएगा तो बुक से आपका आप सबके लिए बुक यहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के थ्रू अवेलेबल कराई जाती है। मतलब ये अगर आप ये बुक परचेज कर लेंगे इस बुक से ही मैं पढ़ाता हूँ आप सबको इनवर्टिब्रेट आर्यल कोटपाल की जो बुक है इसी से मैं पढ़ाता हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए। तो ये जो है सफिशेंट है क्योंकि आप यहाँ पे आर्यल कोटपाल की ही बुक लगती है। ठीक है अगर आप देख किसी सर किसी प्रोफेसर से अगर आप पूछिएगा तो यही चीज़ रहता है। ठीक है और हाँ एक बार और याद रख लीजिएगा कि कोई प्रोफेसर इतना लो लेवल्स पे नहीं आएगा जितना हम सब आते हैं। मतलब हम ये चाहते हैं यार आप सबका डाउट एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है जो थोड़ा भी डाउट ना रहे ठीक है ना कंपटीशन के लिए भी प्रिपेयर हो जाए। देखो कोई भी प्रोफेसर हिंदी में या तो एक्चुअली में अगर हिंदी में बोला भी तो वो नीचे नहीं अपना लेवल डाउन नहीं करना चाहेगा यार, बस वो आएगा लेक्चर देगा चला जाएगा। ठीक है ना इसीलिए हम पढ़ा रहे हैं कि आप सबको आसानी हो जितना हम सब जब पढ़ रहे थे तो उसमें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी थी नहीं मिल पा रहा था यहाँ के सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं मिल पा रहा था। वहाँ से कहाँ से मतलब वीडियो से लेकर के अपने सोल्यूशन बुक से लेकर के सब चीज़ प्रिपेयर करना उसके बाद बनाना नोट्स उसके बाद प्रिपेयर करके फिर लिखना उसके बाद सब चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क हो जाता था। उतने में समझ लीजिए सिलेबस पूरा नहीं हो पाता था, बस इतना रहता था सिलेबस भी नहीं पूरा हो पाए। और आप सबके लिए तो हम बहुत अच्छी तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है अगर कोई इसमें करेक्शन करना हो तो आप सब बताइए कमेंट करिएगा कि इसमें कुछ करेक्शन चाहिए मैं वो आप सबको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है देखिए कैनाल सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच फंक्शन टू इंग्रेस एंड एग्जिट ऑफ वाटर। कैनाल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिनमें ये याद रखिए कि जैसे कैनाल सिस्टम ये हो गया कैनाल सिस्टम ये क्या फंक्शन करता है कि इंग्रेस और एग्जिट पहला नंबर तो एंटर वाटर एंटर करता है कैनाल सिस्टम के थ्रू जो कैनाल सिस्टम इसका होता है कैनाल सिस्टम के थ्रू वाटर एंटर करता है पहला ऑस्कुलम आया फिर ऑस्टिया फिर पहले ऑस्टिया में आया ऑस्टिया से डर्मल मतलब स्पॉन्जोसील में आया स्पॉन्जोसील से फिर ऑस्कुलम के थ्रू आउटर आउटसाइड में वाटर चला गया। ठीक है ना बाहर से बाहर कर दिया वाटर तो ये मेन ये फंक्शन क्या करता है कैनाल सिस्टम जो आपका कैनाल सिस्टम है ये कैनाल सिस्टम क्या करता है मेनली ये फंक्शन ये करता है देखिए कैनाल से ये स्पॉन्जेस हो गए इसका आंसर ये आपका स्पॉन्जेस हो गया। ठीक है ना अब इसमें ये डर्मल पोर से प्रेजेंट हो गए अब ये क्या क्या काम किया कि यहाँ से वाटर इसके अंदर आया इसके अंदर मान चलो हम वाटर का करंट बना दे रहे हैं वाटर का करंट इसके अंदर गया ये ऑस्कुलम है ऑस्कुलम के थ्रू यहाँ से एग्जिट करता है यहाँ से एंटर करेगा वाटर यहाँ से एग्जिट कर जाएगा। कैनाल सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच कैनाल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है इन विच इधर फंक्शन टू इंग्रेस ये क्या फंक्शन करता है इंग्रेस एंड एग्जिट ऑफ वाटर में एंटर करता है वाटर और एग्जिट करने का फंक्शन यही कैनाल सिस्टम करता है वाटर इन विच द स्पॉन्जेस बॉडी स्पॉन्जेस बॉडी के अंदर। ठीक है ना स्पॉन्जेस बॉडी के अंदर ये एग्जिट मतलब एग्जिट बॉडी वाटर करता है और इंग्रेस करता है मतलब अपने अंदर लेता है। ठीक है ना द वाटर सर्कुलर सिस्टम वाटर सर्कुलर सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस आर कॉल्ड कैनाल सिस्टम। देखो ये जो वाटर सर्कुलर सिस्टम है वाटर सर्कुलर सिस्टम से समझ रहे हैं जैसे वाटर सर्कुलर सिस्टम मतलब हाँ हम वाटर अंदर आ रहा है वाटर अंदर आके मतलब सर्कुलेशन हो रहा है पूरी बॉडी में जैसे हमारा सर्कुलेशन सिस्टम है ना पूरा वेन्स आर्टरीज जो है सर्कुलेशन सिस्टम है ना एक जगह से दूसरे जगह तक कैसे फूड वगैरह को एक दूसरे से मतलब कहाँ से कहाँ तक जाना कोई पर्टिकुलर ऑर्गन से निकल करके कोई पर्टिकुलर ऑर्गन या माइटोकांड्रिया तक पहुँचने में कितना फंक्शन करता है वो क्या करता है उसका फंक्शन क्या क्या होता है मतलब ये भी एक प्रकार से आपका काम करता है कि वाटर करंट जो आपका कैनाल सिस्टम का काम करता है। ठीक है ना वाटर सर्कुलेशन करता है सर्कुलेशन सिस्टम मतलब वही समझ लीजिए कि हमारे वेंस की तरह बिहेव लाइक करता है। ठीक है ना सर्कुलेशन करता है सर्कुलेशन सिस्टम स्पॉन्जेस कॉल्ड स्पॉन्ज कैनाल सिस्टम ही बोला जाता है। ठीक है ना इसे हम कैनाल सिस्टम बोलते हैं। कैनाल सिस्टम इज आल्सो नोन एज द एक्वीफेरस सिस्टम। एक्वीफेरस मतलब एक्वीफेरस क्या हो सकते हैं मतलब ये एक ऑलरेडी एक्वा में लगभग ऑलरेडी एक्वा में डेप्थ रहते हैं मतलब मिनिमम 60 to 70 सेंटीमीटर इन डेप्थ इन वाटर में पाए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं कि ऑलरेडी ये पानी में ही पाए जाएंगे जिसके कारण ये क्या करते हैं कि हर वक्त पानी में ही डूबे रहते हैं इसलिए एक्वीफेरस सिस्टम बोला जाता है क्योंकि इनका सिस्टम ऑलरेडी पूरा का पूरा होल बॉडी ये
उसी एक्वा के अंदर ही मिलता है। एक्वा मतलब एक्विफेरस, ऐसे याद रखिएगा कि एक्वा एक्वा मतलब जल, एक्वा मतलब वाटर होता है। वाटर को जो चारों ओर से सरफेस से फियर किए हुए रहे, मतलब ढके हुए रहे, उसे ही हम एक्वाफेरस सिस्टम, एक्वाफेरस सिस्टम बोलते हैं, ठीक है ना। कैनाल सिस्टम आल्सो हेल्प इन फूड फूड एक्जिशन रिस्पायरेटरी गैस एंड एक्सचेंजेस एंड द एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन ये थी। देखो कैनाल सिस्टम जो होता है वो क्या हेल्प करता है, देखो हम कैनाल सिस्टम, ठीक है, हम मतलब बोल दिए कि स्पॉन्जेस के अंदर कैनाल सिस्टम में क्या हेल्प करता है, ठीक है ना। स्पॉन्जेस जो होता है कैनाल सिस्टम के अंदर, क्या कैनाल सिस्टम स्पॉन्जेस के अंदर क्या हेल्प करता है, क्योंकि यहाँ पे मेनली ये फंक्शन करता है कि जैसे फूड एक्जिशन मतलब ये काम करता है, जैसे हमारा फूड हुआ तो फूड अपने अंदर लेगा, फूड को अपने अंदर लेगा। इंटेक करने के लिए किसी ना कोई पर्टिकुलर ऑर्गन पाया जाता है ना, जैसे हमारे अंदर हमारे पास फूड को इंटेक करने के लिए कोई ना कोई पर्टिकुलर ऑर्गन पाया जाएगा ना, जैसे माउथ पाया जाता है ना, तो माउथ से हम फीड करते हैं, फीड करके चिप वगैरह करते हैं, तो उसके बाद फिर हम फीड कर लेते हैं, बहुत अच्छी तरीके से फिर डाइजेस्ट हो जाता है हमारे बॉडी में सॉल्युबल, लाइक हमारे बॉडी बॉडी के एब्जॉर्प्शन के लायक सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है ना। सॉल्युबल मतलब हाँ, जैसे वो होता है ना, सॉल्युबल हो जाता है, जैसे लायक सॉल्युबल मतलब घुल जाता है, वो हमारे लायक हो जाता है, मतलब बॉडी के बॉडी को एब्जॉर्ब करने लायक हो जाता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से इसमें इसको भी सॉल्युबल बना के मतलब कोई ना कोई पर्टिकुलर आर्गन पाया जाए, लेकिन इसमें कोई पर्टिकुलर आर्गन, देखो कैनाल पोरीफेरा में कोई पर्टिकुलर आर्गन नहीं पाया जाता। ये क्या करता है, कैनाल सिस्टम छोटे छोटे माइन्यूट ऑर्गेनिज्म जैसे डायटम्स वगैरह हो गए, डायटम्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरियाज हो गए, कोई भी बैक्टीरियाज हो गए, बैक्टीरिया जो पाए जाते हों माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब छोटे छोटे कोई चीज़ जो न्यूट्रिएंट्स के मात्रा में इनको मिलना चाहिए वो चीज़ मिलता है, तो ये उसी से फीड करते हैं, मतलब बाय द किसी न किसी की हेल्प के द्वारा आएगा। तो अगर हम वाटर के यहाँ पे किसी न किसी हेल्प के द्वारा, जैसे हमें खाना चाहिए तो खाना हमारे हाथ के द्वारा हमारे मुँह में आएगा ना, अदरवाइज कोई चीज़ है नहीं, ठीक है ना, हाथ के द्वारा ही हमारे मुँह में आएगा, तो हम इसके लिए कोई ना कोई पर्टिकुलर आर्गन पाया जाता है। आर्गन के थ्रू यहाँ पे यही लेते हैं कि यहाँ पे फूड एक्जिशन का काम करता है, क्योंकि यहाँ पे वाटर के थ्रू ही फूड अंदर आता है, बॉडी इंटेक करती है अपने अंदर फूड, समझे, फीड करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आइटम्स को, ठीक है ना, ये आप याद रखिएगा। रिस्पायरेशन इन गैस, देखो रिस्पायरेशन इन गैस अगर ये मांग चलो तो आप एनिमल्स में रखते हो, जैसे रिस्पायरेशन करेगा, एक्चुअली में रिस्पायरेशन करेगा तो रिस्पायरेशन में कुछ ना कुछ तो एग्जिट करेगा ना, रिस्पायरेशन मतलब कुछ ना कुछ लेगा तो इंटेक करेगा तो फिर कुछ ना कुछ एग्जिट करेगा, जैसे हम सब ऑक्सीजन लेते हैं CO2 निकालते हैं वैसे ये भी करता है, ठीक है ना, ये भी करता है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं लेता है, ऑक्सीजन के अंदर डिजॉल्व CO2 की क्वांटिटी को एब्जॉर्व करता है, ठीक है ना, CO2 की क्वांटिटी को एब्जॉर्व करके ये रिस्पायरेशन करता है, CO2 की क्वांटिटी को एब्जॉर्व करके फिर एग्जिट करता है आई डोंट नो, लेकिन मतलब अगले लेक्चर में मैं आपको इसका डीपली डिस्क्राइब करके मैं बताऊंगा, ठीक है ना। एंड एक्सचेंज एंड आल्सो एक्सक्रीशन मतलब कुछ वेस्ट प्रोडक्ट, जब भाई फीड किया कोई चीज़ फीड करेगा खाएगा तो और कुछ बॉडी को रिस्पायरेशन की इंपॉर्टेंस है, बॉडी को देखो हमारी जैसे रिक्वायरमेंट है अपने पे डिपेंड रखो, जैसे मेरी क्या रिक्वायरमेंट है फीड करना उसके बाद रिस्पायरेशन लेना। देखो मेन क्या क्या काम होता है, जैसे आदमी का ये 4-5 सूत्र है, फार्मूला है, देखो क्या करेगा, अगर बॉडी है ह्यूमन बॉडी है और ऑर्गन सिस्टम है, तो देखो हमारे कमाने धमाने ये तो बाहरी चीज हो गया ना, कि हमारे मेनली हमारा बॉडी क्या क्या चाहता है, पहला फीड करना चाहता है, दूसरा क्या चाहता है, रिस्पायरेशन, सांस ले सके बहुत अच्छी तरीके, अच्छे वातावरण मिल जाए, ठीक है ना, बॉडी को रिलैक्सेशन, वो उससे बॉडी को रिलैक्सेशन मिला और एक्सक्रीशन हो जाए, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है एक्सक्रीशन हो जाए, अदरवाइज मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, मतलब किसी भी पर्सन को कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय ये तीन चीज़ों की, अगर तीन चीज़ हैं तो वो आदमी सर्वाइव कर रहा है, ठीक है ना, चाहे जैसे भी रह रहा है लेकिन वो सर्वाइव कर रहा है, ठीक है ना, ये तीन चीज़ मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीन चीज़ के लिए इसी के अकॉर्डिंग ये क्लासीफाई किया गया है, पोरीफेरा जो क्लासीफाइड किए गए हैं ये क्या ये पोरीफेरा मतलब एनिमल्स के अंदर ये इंक्लूड किए गए हैं, नहीं तो अदरवाइज ये बॉटनी के अंदर भी आ जाता है, क्योंकि ये कुछ ना कुछ इनमें एनिमल्स लाइक ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं, जैसे एनिमल्स को के अंदर क्या क्या वो होते हैं, मतलब पर्टिकुलर क्या क्या ऑर्गन होते हैं उसी के अकॉर्डिंग ये पाए जा रहे हैं, ठीक है ना। एक्सचेंजेस एंड आल्सो एक्सक्रीशन भी ये फंक्शन करता है, एक्सक्रीशन में वेस्ट प्रोडक्ट को भी आउट ग्रुप मतलब एग्जिट करता है, वेस्ट प्रोडक्ट जो इसके रहते हैं वो आउट मतलब एग्जिट करता है। कैनाल सिस्टम इज नैरो ट्यूबुलर पाथ,
कैनाल देखो यहाँ पे कैनाल सिस्टम इज नैरो ट्यूबुलर पाथ, ट्यूबुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होता है कैनाल सिस्टम में, ट्यूब लाइक ट्यूब ये दिख रहा है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, कभी ऐसा रहेगा कभी ऐसा रहेगा, कॉम्पैक्ट फॉर्म में रहेगा कभी ऐसा सिंपल रहेगा, कभी इनसे भी डेंस रहेगा ऐसे ये गोला करके ये इसमें से निकला रहेगा ये फिर इधर गोला पकड़ा रहेगा ठीक है ना, ये ऐसे रहेगा मतलब इधर से फिर इधर से फिर एक इधर से चिपका रहेगा ऐसे, मतलब एक दूसरे से चिपके हुए रहेंगे ठीक है ना। ये जो है नैरो नैरो पाथ होता है, नैरो पाथ कैनाल सिस्टम इज नैरो नैरो ट्यूबुलर पाथ, ट्यूबुलर पाथ होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का पाथ होता है, वो भी पतला होता है बहुत थिन होता है मतलब एकदम थिन होता है, थिन से वो निकल मतलब वाटर को अंदर इंटेक करता है ठीक है ना। पाथ विच आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, विच आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, इंटरकनेक्ट होता है ईच अदर से, मतलब कैनाल सिस्टम कंसिस्ट डर्मल ऑस्टिया ओपनिंग कैनाल सिस्टम, जो डर्मल ऑस्टिया होती है जैसे देखो ये जो है एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, क्या कौन मिले होते हैं देखो डर्मल ऑस्टिया हो गई, डर्मल ऑस्टिया किसे बोला जाता है, ये डर्मल ऑस्टिया हो गई, डर्म पे ऑस्टिया जो प्रेजेंट हो, डर्म मतलब डर्म एपीडर्म समझ गए, अपने में एपीडर्म बोली जाती है, इसमें डर्मल ऑस्टिया बोली जाती है, डर्मल ऑस्टिया मतलब लेयर मतलब जो हमारी स्किन है डर्म है, डर्म के ऊपर जो भी ऑस्टियाज प्रेजेंट हुए हैं डर्मल ऑस्टियाज बोली जाती हैं ठीक है ना। इससे डर्मल ऑस्टिया जो होती है ये दूसरे से मतलब जितनी भी ऑस्टियाज होती हैं ये एक दूसरे से तीन मतलब एक दूसरे से मतलब अटैच रहती है, कॉम्पैक्टली फॉर्म में अटैच रहती हैं ठीक है ना। ठीक कैनाल सिस्टम जो है डर्मल ऑस्टिया होती है ओपनिंग ऑफ कैनाल सिस्टम, ये कैनाल सिस्टम ये क्या होता है ओपनिंग ऑफ कैनाल सिस्टम, मतलब कैनाल सिस्टम कहाँ से ओपन हो रहा है, ओपनिंग मतलब फर्स्ट जो ओपन होता है आउटर साइड में जो वाटर को इंटेक करने में हेल्प करता है वो ऑस्टिया होता है, इट इज कॉमनली कॉल्ड नोन एज डर्मल ऑस्टिया ठीक है। स्पॉन्जोसील ये लॉन्ग वैस्कुलर सिस्टम होता है, ये क्या काम करता है जैसे देखिए ये आपका स्पॉन्ज बन गया ना, तो ये जो है ये पूरा अंदर का भाग, ये जो अंदर का भाग होगा ना स्पॉन्जोसील कहलाएगा, स्पॉन्जोसील में क्या फंक्शन होता है, ये क्या काम करेगा कि यहाँ पे जो है वाटर को जैसे वाटर को आया बाहर से आया वाटर तो ये क्या काम करेगा इसके ही अंदर वाटर जैसे इसके अंदर वाटर आ गया तो वाटर क्या काम करेगा ये यहाँ पे ही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब सोल्यूबल होते हैं, सोल्यूबल मतलब यहाँ के फीड करने के उसके जो बाहर से मटेरियल आया रहेगा या तो कोई अंदर का एक्सक्रीशन करना है, अंदर का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकालना है मतलब बाहर करना है तो ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग होगा इसके अंदर ही हर मतलब पूरे होल ऑफ द बॉडी का फंक्शन, जैसे हम सबका एब्डोमिनल रीजन है ना, एब्डोमिनल रीजन स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन शॉर्ट इंटेस्टाइन लॉन्ग इंटेस्टाइन ये इन सब चीजों में डिवाइड है ना, तो ये क्या काम करता है कि यही स्पॉन्जोसील का मेनली ये फंक्शन होता है कि ये क्या काम करता है कि होल ऑफ द वाटर को एक तरह एक जगह स्टोर करता है, स्टोर करने के बाद ये अपने अपने अकॉर्डिंग मतलब अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिएंट्स अकॉर्डिंग टू वेस्ट प्रोडक्ट ये अपने टाइम पे अपना रिलीज करता रहता है, इनके इनटेक करता रहता है ठीक है ना। इसी के अकॉर्डिंग देखते हैं कैनाल सिस्टम, ये जो है स्पॉन्जोसील जो है बीच मिडल रीजन में होता है, लॉन्ग वेस्कुलर स्ट्रक्चर, ये वैज लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, वैज लाइक स्ट्रक्चर मतलब ये स्ट्रक्चर से अपना प्रेजेंट होता है ठीक है, ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। एंड आस्कुलम विच जो आस्कुलम होता है आस्कुलम रिप्रेजेंट एट अपर साइड ऑफ द स्पॉन्जेस बॉडी, ये आस्कुलम क्या होता है जैसे साइकान टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम हम बता रहे हैं, साइकान टाइप का मेनली क्योंकि साइकान टाइप नॉर्मल है आसान है आप सब समझना बहुत आसान है ठीक है ना, साइकान टाइप का कैनाल सिस्टम है ये देखो ऑस्कुलम यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ऑस्कुलम ये क्या काम करता है कि आपका जो वाटर है वाटर को एग्जिट करने का यहाँ पे फ्लैजिलेटेड बीट्स लगी होती है, फ्लैजिलेटेड जैसे यहाँ पे जो तीन लेयर में डिवाइड होता है, ये जो आउटर लेयर है तीन लेयर में डिवाइड होता है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था ये जो तीन लेयर में डिवाइड होता है आउटर डर्म मतलब कोइनोडर्म पिनेकोडर्म मेसोडर्म क्या होता है, मेसोडर्म मिडिल लेयर होता है, पिनेकोडर्म आउटर लेयर होता है, कोइनोडर्म मतलब अंदर का लेयर होता है, इंटरनल लेयर होता है, ये इंटरनल कोइनोसाइट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, ऐसे कोइनोसाइट फ्लैजिलेटेड बीट्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये देखो ये ऐसे फ्लैजिलेटेड बीट्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसमें अपीयर होता है मतलब
माइन्यूट फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। वो क्या काम करते हैं, ऑलरेडी ऐसे कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का यहाँ फंक्शन होता है। ये जो अंदर वाली लेयर होती है ना कोइनोडर्म, कोइनोडर्म क्या करती है कि कोइनोसाइट्स जो है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का ये फंक्शन करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का ये फंक्शन करते हुए वाटर को एग्जिट करने में ये मेनली हेल्प करते हैं, ठीक है ना, मेनली यही हेल्प करते हैं, ठीक है, और यही मेनली यही हेल्प करते हैं। एंड देखिए आस्कुलम, आस्कुलम बीच जो आउटर ओपनिंग, आउटर ओपनिंग होती है ऑफ स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस बॉडी, ठीक है ना। आस्कुलम जो आउटर फंक्शन ऑफ वाटर, फंक्शन जो है क्या काम करता है कि वाटर इग्रिट करने का फंक्शन करता है, ठीक है ना। फंक्शन ऑफ वाटर करंट, वाटर करंट का फंक्शन क्या होता है, मतलब वाटर इनके अंदर कैसे आता है कैसे नहीं आता है, क्या कहाँ कहाँ आता है, मतलब कहाँ से आता है कहाँ तक जाता है, कहाँ क्या 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 वाटर करंट का यहाँ पे वाटर वाटर के फ्लो का फंक्शन क्या है, वाटर के करंट मतलब वाटर का वाटर के फ्लो का यहाँ फंक्शन क्या है, फंक्शन मतलब कि जैसे इसके अंदर वाटर कैसे आएगा, वाटर करंट कैसे होगा, वाटर के वाटर का प्रभाव प्रवाह कैसे होगा, प्रवाह है मतलब इसके अंदर कैसे होगा, ठीक है ना, करंट वाटर का करंट कैसे होगा। देखिए द मोस्ट वाइटल रोल इन इन द फिजियोलॉजी स्पॉन्जेस, देखो मोस्ट वाइटल रोल मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल, ये जो इनकी फिजियोलॉजिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इनका क्या फंक्शन होता है वाटर का, द प्लेड ऑफ वाटर करंट, जो वाटर करंट जो होता है ये मोस्ट जो है आपका फिजियोलॉजिकल फंक्शन करता है इन स्पॉन्जेस बॉडी। ये मोस्ट फिजियोलॉजिकल मतलब हर एक फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ही डिपेंड रहती है ओनली वन ऑन डिपेंड अपॉन वाटर, मतलब ओनली वन डिपेंड अपॉन वाटर, मतलब वाटर पे ही हर एक चीज डिपेंड रहता है इसमें, कैनाल सिस्टम के वहाँ पूरी फेरा में हर एक चीज इस पे ही डिपेंड रहता है, ठीक है। फाइलम वाटर करंट ऑन इन विच देयर लाइफ डिपेंड, ये जिस पे ही इनका जीवन पूरा डिपेंड रहता है, इनकी लाइफ उस पे ही डिपेंड रहती है, वाटर करंट पे ही इनकी पूरी लाइफ डिपेंड रहती है, क्योंकि हर एक चीज मतलब कोई भी एक्टिविटी अगर इनके बॉडी में होगी तो ओनली वन विदाउट वाटर इट कैन नॉट पॉसिबल टू सर्वाइव, समझ गए ना, कोई भी मतलब बिना वाटर के ये सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है स्पॉन्जेस बॉडी में, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज के लिए वाटर की इंपॉर्टेंस ही रहती है, बहुत इंपॉर्टेंस रहता है हर एक चीज की, वाटर की यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस ही रहती है, ठीक है ना। आर एक्सचेंजेस ऑफ स्पॉन्जेस जितने भी एक्सचेंजेस होते हैं इन द बॉडी ऑफ स्पॉन्जेस, जितने भी एक्सचेंजेस होते हैं इन द बॉडी ऑफ स्पॉन्जेस, ये बॉडी प्ले और ये बहुत ही मतलब जो आर एक्सचेंजेस जितने भी एक्सचेंजेस होते हैं इन बॉडी ये ही प्ले करता है, मतलब रोल इसका मेन रोल ही होता है वाटर करंट का, मैंने विदाउट इसके ये करंट का नॉट पॉसिबल टू सर्वाइव इट, यही तो मैंने आप पहले बोला था। और मेंटेन बाय मींस द करंट, ये इसी प्रकार से ही अपने करंट को मेंटेन करता है, मतलब कि बॉडी की और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही अपने करंट को मेंटेन करता है, ठीक है ना। एक बार आप स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा, ठीक है, राइटिंग वगैरह थोड़ा सा वो है, थोड़ा सा हिली वगैरह है, आप समझा करो, ठीक है ना, उसके बाद देख लीजिएगा, मतलब समझ देखिए आप ध्यान से समझिएगा, ध्यान से अगर समझेंगे एक बार में पूरा समझ में आ जाएगा। हाँ, कोई अगर इनमें करेक्शन करना रहे तो आप सबको अगर और ज़्यादा देखिए, अभी तो इसमें भी मतलब दो लेक्चर में बनाऊंगा, ज़्यादा बड़ा बड़ा लेक्चर नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि 15 से 20 मिनट का लेक्चर देखने में मैं भी बोरिंग महसूस करता हूँ, तो बोरिंग महसूस ना हो इस वजह से, क्योंकि यार देखो सिलेबस लेंदी है, देखो पढ़ाना तो मैं एकदम तगड़े से पढ़ाऊँ विदाउट व्हाइट बोर्ड के पढ़ाऊँ, लेकिन बात ये रहती है ना यार, आप सबको पढ़ाने से वो है कि आप सबको एक प्रॉपर नोट्स मिलती जाए, ठीक है ना, प्रॉपर नोट्स आप सब एक कॉपी बना लीजिएगा, उसमें प्रॉपर नोट्स अपना बनाते जाइएगा, क्योंकि यही चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अगर आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो यहाँ का सिलेबस इतना लेंदी है, सिलेबस कवर करते करते और वो करते करते आप सबको बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड हो जाएगा, ठीक है ना। और ये ऐसा नहीं है कि मतलब थोड़ा सा है, थोड़ा सा मैंने पढ़ लिया तो चलो ठीक है हो जाएगा, ये ट्वेल्थ है, थोड़ा सा मैंने पढ़ लिया उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया तो यहाँ यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग नंबर हमको दे दिए, यहाँ पे नंबर मिलना ही बहुत आसान बहुत बेकार चीज होता है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप सब देखिएगा कैनाल सिस्टम आप पूरी फेरा आप सबका इतना हुआ। अब फंक्शन ऑफ वाटर करंट में नेक्स्ट लेक्चर में मैं वीडियो जो प्रोवाइड करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड करूंगा, और ये वीडियो ज़्यादा लेंदी ना बने इसलिए मैं इस छोटा सा ही बना रहा हूँ, मतलब एक बोर्ड का ही बना रहा हूँ, ठीक है ना। और सब ठीक है आप सबका, और देख लीजिएगा इसके पहले ही जितना मैं वीडियो बना चुका हूँ उसको भी आप सब एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि वो रिवाइज जितनी बार आप रिवाइज करेंगे उतनी बार आपको सबको सही लगेगा। हाँ, अगर कुछ देखिए आप सबकी रिक्वायरमेंट के अनुसार देखिए
18 सब्सक्राइबर हो गए हैं जितने भी हम हैं अभी जो वीडियो बनाना हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो 18 सब्सक्राइबर हो गए हैं जीरो से मैंने शुरू किया था, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर धीरे धीरे आप सबकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और शेयर करें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने ग्रुप में, जितने भी ग्रुप्स हैं आप सबके उसमें शेयर करिए। और हाँ, हो सकता है अगर आप सबकी रिक्वायरमेंट रहे तो हम लाइव क्लास लेना स्टार्ट कर देंगे। लाइव क्लास लेंगे तो आप सबको बहुत जल्दी जल्दी खींच देंगे, मतलब एक फाइल में एक दिन में खींच दिया जाएगा, मतलब एक एक फाइल में एक एक दिन में चाहे 3 घंटे लगे चाहे 4 घंटे लगे, आप सबका एक एक फाइल में आपका आप सबका कंप्लीट कर दिया करेंगे, ठीक है। आप सबकी अकॉर्डिंग, मतलब आप सब अगर बोलेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग काम किया जाएगा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, थैंक यू यार फ्रेंड। ओके, थैंक यू।